तो आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यह न केवल हरियाणा से जुड़ा है परंतु पूरे देश को प्रभावित करता है। हरियाणा के में पूरे देश में 7 करोड़ दुकानदार और व्यापारी है और हरियाणा में ये संख्या 10 लाख के करीब है। हरियाणा के दुकानदार और व्यापारियों का धंधा चौपट कर रही है खट्टर सरकार और ऐसा लगता है कि वो ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन कंपनियों की एजेंट बन गई है खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार। मोदी खट्टर सरकारों ने 20 अप्रैल 2020 से ई कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन कंपनियों को पूरे देश में, खास तौर से हरियाणा प्रदेश में, अपना सामान बेचने की इजाजत देकर लाखों व्यापारियों, 10 लाख व्यापारियों और दुकानदारों के धंधे पर तालाबंदी कर दी है। भाजपा जजपा सरकार की इस व्यापारी दुकानदार विरोधी नीति को हरियाणा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हरियाणा का दुकानदार और व्यापारी लगभग 1 माह से अपनी दुकान और व्यवसाय बंद करके घर बैठा है और अब यह लॉकडाउन 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। दुकानदार और व्यापारी का, देखिए जरा, दुकानदार और व्यापारी का लाखों करोड़ का माल उसकी दुकान और गोदाम के अंदर आज भी पड़ा है। धंधा बंद होने के बावजूद भी दुकानदार अपना पूरा किराया दे रहा है। बिजली के फिक्स चार्जेस जो वाणिज्यिक हैं, कमर्शियल हैं, वह कमर्शियल हाउस टैक्स अदा करने को आज भी हर दुकानदार और व्यापारी हरियाणा का बाध्य है। सरकार के आदेश के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद भी जो कारिंदे कर्मचारी दुकान पर काम करते हैं उनकी तनख्वाह भी दे रहा है और अपनी योग्यता के अनुसार गरीब आदमियों को भोजन और दान राशि आदि की हर संभव सहायता भी कर रहा है। फिर भी खट्टर सरकार हरियाणा के दुकानदार और व्यापारी को सजा देने पर उतारू है। ई कॉमर्स कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां अब टीवी बेचेंगी, मोबाइल फोन बेचेंगी, फ्रिज बेचेंगी, कपड़ा बेचेंगी, ज्वेलरी बेचेंगी, कॉस्मेटिक्स बेचेंगी, हर प्रकार का साजो सज्जा का हर प्रकार का सामान बेचेंगी, पर दुकानदार के व्यवसाय पर, व्यापारी के व्यवसाय पर जो 10 लाख से ज्यादा हरियाणा में है उनके और जो छोटे छोटे गरीब व्यक्ति हैं उन पर तालाबंदी कर दी गई है। रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तो ये भी कहा है कि 3 मई 2020 को लॉकडाउन खुलने के बावजूद 25% देश की दुकानें बंद हो जाएंगी। 7 करोड़ में से 25% दुकानदार अगर व्यवसाय खो बैठे देश में और 10 लाख में से 2.5 लाख दुकानदार हरियाणा में व्यवसाय खो बैठे तो आप देखिए कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था और उन गरीब परिवारों का होगा क्या। और रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने रिसर्च करके ये भी कहा है कि अगले 6 से 12 महीने तक कोई दुकानदार एक नई फूटी कोड़ी भी कमा नहीं पाएगा। सवाल यह है कि फिर वो गरीब दुकानदार अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे। हमारे खट्टर सरकार से 3 सवाल हैं। क्या खट्टर सरकार जवाब देगी? पहला, क्या प्रदेश के 10 लाख दुकानदारों की पेट पर लात मार ई कॉमर्स और ऑनलाइन कंपनियों को 20 अप्रैल से व्यापार करने की अनुमति देना सही है या एक सोची समझी साजिश है? दूसरा, क्या खट्टर सरकार दुकानदारों और व्यापारियों के कमर्शियल हाउस टैक्स और बिजली के बिल के फिक्स चार्जेस को वेव करेगी यानी माफ करेगी, वे जीएसटी में विशेष छूट देगी? तीसरा सवाल, भाजपा जजपा सरकार ई कॉमर्स कंपनियों की एजेंट बन व्यापारी और दुकानदारों के व्यापार पर कुठाराघात क्यों कर रही है? ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपके संज्ञान में लेकर आना है। एक और इससे जुड़ा सवाल है, वो है किसान और आढ़तियों के गठजोड़ का। हरियाणा में किसान का चलता फिरता बैंक आढ़ती है, उसको रोजमर्रा की जरूरत के लिए जब पैसा चाहिए, सुख दुख के लिए जब पैसा चाहिए तो किसान आढ़ती से वो पैसा ले लेता है और फसल आने पर वो आपस में अकाउंट सेटल कर लेते हैं। अधिकतर समय तो कोई लिखित पढ़त भी नहीं,
किसान का आड़ती से गठजोड़ और व्यापार और पैसे का लेन देन आपसी विश्वास और जबान के आधार पर चलता है। और ये रिश्ता आज का नहीं, ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है और दशकों पुराना भी है। परंतु खट्टर सरकार ने 13 अप्रैल 2020 को जो मैंने आदेश आपको दिया था और अब 16 अप्रैल 2020 को एक बार फिर आदेश जारी कर ये कहा है कि हर आड़ती 7 प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाएगा, समेत यस बैंक के, जिसमें पहले से ही 2,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार का फंस गया होता। और सारा पैसा जो है वो सरसों का हो, वो गेहूं का हो और रबी की अन्य फसलों का हो, वो इन खातों में आएगा। क्या खट्टर सरकार से हमारे बड़े सीधे सीधे दो सवाल हैं। पहला, एक तरफा के मनमाने आदेश कर 7 प्राइवेट बैंकों समेत डूबते हुए यस बैंक में आड़तियों के नए खाते खुलाने का क्या कारण है? क्या सरकार अब इन प्राइवेट बैंकों की एजेंट बन गई है या फिर उन सरकारी बैंकों की तरफदार है जिनमें पहले से खाते खुले हैं? दूसरा सवाल, आड़तियों के सरकारी बैंकों और दूसरों बैंकों में खाते सालों से चल रहे हैं, इसी के आधार पर बैंक लिमिट बनती है। अब अगर नए खाते खोले जाएंगे तो क्या बैंक लिमिट बन पाएगी? और अगर बैंक लिमिट नहीं बन पाएगी तो आड़तियों का व्यापार और व्यवसाय कैसे चल पाएगा? इसीलिए पूरे हरियाणा के आड़ती भी आज गुस्से में है। दूसरी ओर सरसों की फसल की खरीद हो ही नहीं रही। अनेकों उदाहरण हमने पेश किए हैं जिनमें से एक अजय दीप सिंह जो सिरसा के किसान हैं, उनके कागजात अभी अभी मैंने ट्विटर अकाउंट पर लगाए हैं। 8 एकड़ जमीन के लिए उन्होंने बाकायदा वेब पोर्टल के ऊपर अप्लाई किया और वो अप्लाई करने के बाद उनको जो मैसेज आया वो बड़ा चौंकाने वाला है। उस 8 एकड़ वाले किसान ने 80 क्विंटल सरसों के लिए, यानी 10 क्विंटल लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से उसने वेब पोर्टल के ऊपर चढ़ाया और खट्टर सरकार केवल 32 किलो सरसों उससे खरीद रही है। मैं ये आपके स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। आप मुझे बताइए, पूरे हरियाणा में सरसों की फसल की बद इंतजामी है। मुख्यमंत्री जी एक मंडी में नहीं गए, उप मुख्यमंत्री जी जो प्रभारी मंत्री हैं वो एक यमुनानगर की छोटी सी मंडी में गए और देर रात जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हैं तो देर रात वो अपनी पूरे लावा लश्कर के साथ अपनी विधानसभा की उचाना मंडी में गए। और वहां की भी कहानी ये है कि किसानों को जो 40-40, 50-50 क्विंटल सरसों ला रहे हैं, 5-5 क्विंटल खरीदी जा रही। हमारा ये कहना है कि समय आ गया है कि खट्टर सरकार ई कॉमर्स और ऑनलाइन कंपनियों की एजेंट बनके हमारे 10 लाख से ज्यादा हरियाणा के दुकानदारों के धंधे को चौपट करना बंद करे। अगर इजाजत देनी ही है 20 अप्रैल से तो मेरी ये मांग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, जो हमारे स्थानीय दुकानदार हैं उन्हीं को होम डिलीवरी की इजाजत दी जाए। उनके संबंध भी हैं लोगों से और जो वो क्रेडिट पर सामान भी देते हैं ताकि वो अपना धंधा शुरू कर सकें सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करते हुए। इसी प्रकार से आड़तियों के साथ ये हुक्म जो पूरी तरह से नाजायज, गैर कानूनी और असंवैधानिक हैं, इनको बंद किया जाए। कैसे सरकार निर्णय कर सकती है कि कौन से बैंक में मैं खाता खुलवाऊंगा? कैसे सरकार निर्णय कर सकती है कि कौन से बैंक से मैं बैंक लिमिट लूंगा? यह व्यवसाय के ऊपर गैर जरूरी, गैर कानूनी और असंवैधानिक प्रतिबंध है। और खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला जी, आपसे अनुरोध है कि आप होश में आए और इन किसान विरोधी, दुकानदार विरोधी और आड़ती विरोधी कार्रवाई को बंद करें। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है।